सो हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, मतलब कितने अरसे हो गए थे हमने वीडियो नहीं बनाई थी, बट आज फाइनली वीडियो बना रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रंट फ्लिप के ऊपर, तो आप देखना कि कैसे करना है उसको। तो चलो करते हैं आज की वीडियो को शुरू यहीं पर। तो लेट्स गो। तो अगर आप फ्रंट फ्लिप को सीखने से पहले फ्रंट हैंड स्प्रिंग सीख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा फ्रंट फ्लिप को सीखना। इससे एक तो आपको रोटेशन लेना आ जाएगा और सेकंड आपको डर भी नहीं लगेगा। तो फ्रंट हैंड स्प्रिंग की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जब हम कोई भी स्टंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमें करना होता है वार्म अप, तो उससे हमारी बॉडी खुल जाती है और साथ में हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाते हैं। तो वार्म अप में आप कुछ बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर रनिंग कर सकते हैं। तो वार्म अप काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज इससे हम काफ़ी हद तक इंजरी को रोक सकते हैं। तो आपको पहले ये करना है, उसके बाद आपको करनी है फ्रंट फ्लिप। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में हमको सिंपल एक रोल करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो आपको रोल करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रोल दोनों लेग से एक साथ करना है, मतलब आपके लेग एक साथ होने चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मेरे दोनों लेग एक साथ नहीं है, एक लेग मेरा पीछे है और एक लेग आगे है। तो आपको ऐसे नहीं करना, तो आपको अपने दोनों लेग्स को साथ में रख के ही रोल करना है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है डाइव रोल। तो डाइव रोल में सिंपल हमको एक रोल ही करना है लेकिन जंप के साथ करना है। तो आप देख ही सकते हैं कि हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाना है एंड लेग से जंप लेना है एंड देन एक सिंपल रोल करना है। तो आप समझ ही होंगे, हमें सिंपल एक रोल करना है लेकिन जंप के साथ डाइव मार के। तो अब आपको यही डाइव रोल 3-4 स्टेप पीछे जाके रनिंग करके मारना है। तो जितना आपका मन करे आप अपने हिसाब से रनिंग करके डाइव रोल कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जितना ज़्यादा आप डाइव रोल में जंप ले सकते हैं या फिर हाइट ले सकते हैं उतना आपको लेना है, क्योंकि जितना अच्छा आपका डाइव रोल होगा उतनी ही अच्छी आपकी फ्रंट फ्लिप होगी। तो आपको इसमें एक बात का मेन ध्यान रखना है कि आपको डाइव रोल करते समय अपने हैड को ग्राउंड पर टच नहीं करना, सिंपल जंप लेके अपने हैंड्स को टच करना है ग्राउंड पर, देन अपनी नेक को बैंड करना है एंड पीठ को टच करना है ग्राउंड पर। तो कुछ इस तरह करना आपको डाइव रोल और अपने हेड को टच नहीं करना ग्राउंड पे। तो पहले आपको डाइव रोल की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही आपको बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो प्रैक्टिस करिए और इम्प्रूव करिए। तो अब चलते हैं हमारे मेन स्टेप की तरफ, जिसमें आपको टक करना है और अपने हैंड्स को ग्राउंड पे टच नहीं करना, मतलब आपको टक करके रोल करना है और अपने लेग्स पे लैंडिंग लानी है। तो टक दो तरह से होते हैं, एक अपर टक एक अंडर टक, आपको जो सा अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। सो आफ्टर डैट आपको ट्राई करना है लैंडिंग लाने की, आपको अपने लेग्स पे खड़ा होना है मतलब। तो प्रैक्टिस करते रहिए और लैंडिंग लेके आइए। सो यहाँ पर आपको मेन घूमना ही सीखना है बिना हैंड्स को टच करे ग्राउंड पे। सो बस आपको अपना डर खोलना है घूमने का। सो हमारे लास्ट स्टेप में हमको जितना हो सके उतना बॉडी को स्ट्रेट करके जंप लेना है, मतलब बॉडी को कम से कम बैंड करना है एंड ऊपर की तरफ जंप लेना है। लेकिन आपको टक अच्छे से करना है, अपनी लेग्स को पूरे अपने चेस्ट तक भिड़ाना है, और आपको टक स्टार्टिंग में नहीं करना, पहले आपको जंप लेना है देन हवा में जाके टक करना है एंड देन रोल एंड देन लैंडिंग। तो अब जो है बात करते हैं मेन मिस्टेक की, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और मैंने भी की थी स्टार्टिंग में। तो मिस्टेक ये है कि हम अपनी बॉडी को बैंड कर लेते हैं स्टार्टिंग से ही और रोल करने की सोचते हैं, तो इससे जंप तो आ नहीं पाता तो लैंडिंग तो कहाँ से आएगी। तो आपको जंप लेते समय झुकना नहीं है और ऊपर की तरफ जंप लेना है। तो हमें सिंपल आके अपनी बॉडी को उठा के आगे की तरफ थ्रो करना है, और फिर जब हमारी बॉडी हवा में होगी तो उस टाइम हमें टक करना है एंड लैंडिंग के टाइम उसको छोड़ना है और लेग को स्ट्रेट करना है। तो टक को पकड़ने के साथ छोड़ना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर छोड़ेंगे नहीं तो हमारी लेग मुड़ी रहेगी जिससे कि स्ट्रेट लैंडिंग नहीं आ पाएगी। तो हमें लास्ट में टक को छोड़ के लेग को स्ट्रेट करना है। तो यहाँ पर एक तरह की और फ्रंट फ्लिप होती है जिसे हम कहते हैं रशियन फ्रंट फ्लिप। तो इसमें हमको अपने हाथों को ऊपर थ्रो नहीं करना बल्कि पीछे से अपनी बॉडी को उठाना है अपने हाथों से। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं कैसे अपने हाथों को घुमा के पीछे से अपनी बॉडी को उठा रहा हूँ। तो ऐसे करते हैं रशियन फ्रंट फ्लिप को, और आप भी इसको सीख सकते हैं, काफ़ी ईजी है ये। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि कैसे करना है फ्रंट फ्लिप को।
तो अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये आ जाएगी। तो मैंने आपको दोनों बता दी, रशियन फ्रंट फ्लिप भी और सिंपल वाली भी, तो जो सी आपको अच्छी लगती है आप वो कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आपको इसको हाइट से ट्राई करना है, जैसे कि थोड़ी सी हाइट हो और वहाँ से आप नीचे की तरफ इसको ट्राई करें, वहाँ से आप जल्दी सीख जाएंगे। और फिर धीरे धीरे आपको हाइट को कम करना है और फिर करना है ग्राउंड लेवल पे। और हाँ गाइस, एक बात और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसको सेफ्टी के साथ ही करना है, कोई सेफ़ जगह हो वहीं पर ट्राई करना है इसको, जैसे कि मैं कर रहा हूँ सेफ़ जगह पर। तो आपको सेफ्टी का मेन ध्यान रखना है, सेफ़ जगह पर ही करना है इसको। तो मैं आपको एक बार दोबारा से होल प्रोसेस बता देता हूँ। आपको सिंपल रनिंग करके जाना है एंड अपने दोनों लेग को एक साथ रख के उनसे एक साथ जंप लेना है ऊपर की तरफ, और फिर बॉडी को थोड़ा सा आगे थ्रो करना है एंड देन टक करना है, और फिर एंड में टक को छोड़ के लेग स्ट्रेट करनी है और लैंडिंग लानी है। सो इन द एंड आप देखिए एक शॉर्ट प्रोग्रेशन फ्रंट फ्लिप की। लेकिन आपको एक बात का और मेन ध्यान रखना है कि आपको सेफ्टी के साथ ही करना है, कोई सेफ जगह हो वहीं पे ट्राई करना है इसको। जैसे ये है मेरे पास सेफ जगह, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वैसे मैंने स्टार्टिंग में हार्ड सरफेस पे करी थी तो मुझे काफ़ी इंजरी भी हुई थी, चोट भी लगी थी, लेकिन आप मत करना। कोई गद्दे हो या कोई मिट्टी वाली जगह हो, कोई सॉफ्ट सर्फेस कुछ भी हो, वहाँ पर आपको ट्राई करना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है फ्रंट फ्लिप को स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट इट। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, आपको सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये आ जाएगी। तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे इसको लेके कि फ्रंट फ्लिप को सिखाओ बताओ, तो मैंने तभी इसकी वीडियो बनाई पहले। तो अब जो है नई नई वीडियोज आती रहेंगी, तो उसके लिए चैनल पर बने रहना। तो बताना गाइस कैसे लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।